नमस्कार, मैं हूं अनुश्री। राजस्थान में इन दिनों किसानों की खेती के काम आने वाली यूरिया पर सियासत गरमाई हुई है। सत्ता बदलते ही कांग्रेस सरकार में यूरिया की किल्लत की खबरें आ रही है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा छाया हुआ है। लोग हैशटैग यूरिया चोर कांग्रेस के साथ ही राजस्थान में यूरिया की कमी के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने किसानों पर लाठियां भाजती पुलिस का एक वीडियो पोस्ट करते हुए यूरिया ब्लैक किए जाने का आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी सांसद मदन लाल सैनी ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पहले ट्वीट में कहा, कांग्रेस राज्य में किसान कितने परेशान हैं, यूरिया के लिए भटक रहे हैं। जो खाद भाजपा सरकार में आसानी से मिल जाती थी, उसके लिए किसानों को लाठी खानी पड़ रही है। केंद्र से खाद के रैक आने के बाद भी क्यों नहीं मिल रही है, ये कैसा गुड गवर्नेंस है। तो वही दूसरे ट्वीट में मदन लाल सैनी ने कांग्रेस सरकार की किसान नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, राजस्थान के अन्नदाता सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, खाद के लिए कड़ाके की ठंड में लाइन लगाने को विवश है। किसानों को उनका हक छीनकर बिचौलियों को दिया जा रहा है। खाद बंटवाने में गहलोत सरकार की प्रशासन व्यवस्था नाकाम रही है। क्या गहलोत सरकार की यही किसान नीति है। गाजीपुर पहुंचे पीएम मोदी ने भी राजस्थान में यूरिया की किल्लत का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, सरकार बदलते ही वहाँ कालाबाजारी करने वाले मैदान में आ गए है। भाई और बहनों, वोट बटोरने के लिए लुभावने उपायों का हश्र क्या होता है, वो अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिख रहा है। सरकार बदलते ही अब वहां खाद के लिए, यूरिया के लिए कतारें लगने लगी, लाठियां चलने लगी, काले बाजार करने वाले मैदान में आ गए। यूरिया पर जारी सियासत के बीच बीजेपी की ओर से ट्वीट कर आंकड़े भी जारी किए गए हैं। बीजेपी के मुताबिक राजस्थान को 23 दिसंबर तक 2.6 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत थी, जबकि बेचे गए 2.31 लाख मीट्रिक टन यूरिया। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर ये सरप्लस यूरिया कहां गए। हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार है। 17 दिसंबर को ही प्रदेश के सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले कैलाश गहलोत की सरकार पर 10 दिन के अंदर ही यूरिया चोरी होने के आरोप लगने लगे हैं।